नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइस न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता। इस वक्त की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। नमस्कार, वॉइस न्यूज 18 की टीम इस समय मौजूद है ताहिर हुसैन, जो कि लखनऊ के निवासी हैं और साथ ही साथ इनको लखीमपुर का प्रभार दिया गया है इलेक्शन के समय में। सर, ये लखीमपुर क्यों? आप तो लखनऊ के रहने वाले हो, सम्मानित व्यक्ति हैं लखनऊ से। देखिए, जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व तो तय करेंगे, और ये हमारी खुद की स्वयं इच्छा नहीं होती, पार्टी के पदाधिकारी जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो तय करते हैं। जहाँ कहीं प्रभारी बना दें तो लखीमपुर का प्रभारी बनाए, हम लखीमपुर का काम करेंगे। जैसे कि आप शिया समुदाय से संबंध रखते हैं और शिया समुदाय बाहुल क्षेत्र लखनऊ था, और लखीमपुर जो है कहा जाता है कि आपके सुन्नी समाज से बाहुल क्षेत्र है, जिसमें कि जो दूध का व्यापार करने वाले लोग हैं, गद्दी समाज जिसको कहते हैं, वो लोग वहाँ हैं, तो वहाँ पे आप कैसे अपनी भूमिका निभाएंगे? देखिए, हमारी सरकार ने जो कार्य किया है वो किसी धर्म जाति के आधार पर नहीं किया, उन्होंने सबका साथ और सबका विकास के नारे को जमीन की तरफ उतारने का काम किया है। और यही वजह है कि हर जाति हर धर्म में हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोग उत्साहित हैं और विश्वास कर रहे हैं, और हमें पूरा पूर्ण विश्वास है कि हम कहीं भी काम करें, कहीं भी जाएं, और वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की होगी, उसमें कोई धर्म जाति को मैटर नहीं करता। सर, इत्तेफाक की बात है, दोनों शिया प्रतिनिधि हैं, फरहा रिजवी, ताहिर हुसैन, समझ में नहीं आ रहा, मतलब आप इसको समझाने की कोशिश कीजिए, आप जो कह रहे हैं हम समझ में नहीं आता। नहीं, ये तो शीर्ष नेता जाने के लिए क्या किया है, बहरहाल हमें काम करने का अवसर मिला है, मैं काम करूँगा। सर, यदि एक घुमा के सवाल पूछ रहा हूँ, हो सकता है ये आपको सही ना लगे, यदि आपको 800,000 शिया समुदाय लखनऊ में है, अगर यहाँ प्रतिनिधित्व का मौका मिलता तो कितना फ़ायदा होता, या फिर आपको वहाँ से फ़ायदा है? नहीं, हम लखीमपुर के सहप्रभारी ज़रूर हैं, लेकिन काम लखनऊ में भी करेंगे और काम फैजाबाद में भी होगा। हमारा काम अयोध्या में भी हो रहा है, हमारा काम रायबरेली में भी हो रहा है, अवध क्षेत्र के जितने भी, क्योंकि भारत के उस मखसूस व मुमताज़ खत्े को अवध के नाम से मौसूम किया जाता है, कि जिसकी सर जमीन जलील कदर आलिमों सूफियों वलियों बुजुर्गों हक परस्तों की आमाज गा व आराम गा बनी, ये एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं उनके बहुत ही दिल नरम होते हैं, और चाहे उनके प्रति कोई इतना सा भी करे तो उसको बहुत बड़ा मानते हैं। जो भी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं उससे मैं समझता हूँ प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक परिवार लाभान्वित हुआ है, और आगामी चुनाव में आप देखिएगा पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी और हमारे अवध क्षेत्र से हर बूथ जीतेगा। सर, जैसे कि लालजी टंडन जी के ज़माने से मैं जानता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी में सक्रियता से राजनीति निभा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की किन नीतियों को लेकर आप समाज के बीच जाने वाले हैं? ये भारतीय जनता पार्टी 2014 से केंद्र में आई, उससे पहले जो माहौल देश का था वो छुपा नहीं है किसी से। सर, क्या माहौल था वो भी बता दिए ताकि जनता जान सके कि क्या माहौल था और क्या माहौल अब बन गया। देखिए, महिलाओं का अपहरण कितना हुआ करता सब पहले नहीं होता, दंगे कितने दंगे होते थे, और मुसलमानों, मैं अल्पसंख्यक समाज से आता हूँ, शिया कम्युनिटी से आता हूँ, और आप देखिए कि मुसलमानों को आतंकवाद के नाम पे लोग उठा लिया करते, सरकारें उठा लेती थी, और 7 साल और 10 साल खाने के बाद उनको जेल में बंद करने के बाद निर्दोष साबित होकर छोड़ देती थी। लेकिन हमारी सरकार ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के सबका साथ सबके विकास के नारे को जमीन की तरफ उतारने का काम किया है, और 2014 में जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की सरकार आई तो उन्हीं ने एक बात कही, आपको याद होगा कि मैं मुसलमान के हाथ में एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कलम देखना चाहता हूँ, कि भारत के मुसलमान को मजबूत बनाना चाहते हैं, और आप देखें कि मुसलमानों ने भी उनके प्रति विश्वास जताया है। हर क्षेत्र में जो भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की केंद्र सरकार की, तो उन्हीं ने सबके लिए वो काम किया है। तो आज मुसलमानों वो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है पहले कुछ थोड़ी सी नाराजगी थी लेकिन वो आज खत्म हुई है, और आज खुद चल के भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान दस्तक खड़ कर रहा है। सर, जैसे कि आप बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास जैसे नारे जो आपके चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के, बतौर भारतीय जनता पार्टी में आप अल्पसंख्यक समुदाय के फेस हैं और काफ़ी कद्दावर आपकी शख्सियत है लखनऊ में, और मैं ये पूछना चाहूँगा सर, विधानसभा चुनाव आ गया है, सीटों का आवंटन भी होगा, अल्पसंख्यक समुदाय के कितने चेहरे देख रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव प्रत्याशियों में? देखिए, हम आपको फिर बताएं, आप जो धर्म जाति की बात कर रहे हैं ये अन्य दूसरी पार्टी में होती हैं, हमारी पार्टी में धर्म जाति की बात नहीं होती। सर, एक भी प्रत्याशी पिछले बार भी नहीं था, आपकी कितने होंगे? नहीं, ये सवाल के जवाब दीजिए सर। आप ये देखिए कि अगर प्रत्याशी नहीं था लेकिन मंत्री बनाया नहीं बनाया, राजमंत्री बनाया नहीं बनाया, मोहसिन रजा जी राजमंत्री बने नहीं बने, गैर हुसैन रिजवी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन बने नहीं बने, हैदराबाद चांद जी अल्पसंख्यक आयोग में सदस्य बने नहीं बने, तो कितने ही लोगों का समायोजन सरकार ने किया। आप बताना ही चाह रहे हैं कि अल्पसंख्यक को लेकर के पार्टी में मतलब वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। विधानसभा प्रत्याशी के लिए क्या अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति क्षमता नहीं रखता या फिर टिकट नहीं मिलता? ऐसी बात नहीं, क्षमता रखता है, उसके योग्य भी होता है, पार्टी देखेगी और जो बेहतर कैंडिडेट होगा उसको टिकट देगी।
कोई बिना भेदभाव की टिकट बटेंगे। सर 19% भारत की आबादी में मुसलमान आंकड़े में है, आपने बोला कि पहले अत्याचार होते थे अब नहीं होते, क्या सर एनसीबी के आंकड़े आप लोग ने देखने बंद कर दिए हैं या फिर मीडिया अपनी आंखें बंद कर ले? नहीं देखिए ऐसी बात नहीं है, हम आपको बताएं मीडिया भी किसी हद तक के मीडिया भी जो है वो गलत तरीके से न्यूज़ को दिखा देती है, लेकिन बाद में उसका सच कुछ और होता है। आप देखें कि किसी भी घटना के पीछे कोई ना कोई रोल ज़रूर होता है, कहीं राजनीति होती है, और जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों चाहे माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी हों, इन्होंने बिना भेदभाव के और बिना किसी धर्म जाति के आधार पर सबका साथ सबका विकास किया है। और 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में एक हताशा निराशा का जो माहौल था, अराजकता का जो माहौल था, हर तरफ दंगे अपहरण लूट हुआ करती थी, लेकिन आज आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में कितना अच्छा वातावरण बना है, कि शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार किया गया और जिसे हम कहते हैं कि रोडों को भी कनेक्टिविटी को भी जोड़ा गया, हर क्षेत्र में काम किया। सर आप बात कर रहे थे हत्या की, मनीष गुप्ता हत्याकांड याद है या भूल गए आप लोग? नहीं मनीष गुप्ता हत्याकांड में याद सर, उसमें कौन सी राजनीति थी? जो भी घटनाएं इस तरह की होती हैं ठीक है उस पर दुख होता है, और हत्या किसी की भी हो मारा कोई भी जाए दुख होता है, लेकिन सुनिश्चित है कि अपराधी जो भी होंगे वो जेल में जाएंगे। सर महिला सुरक्षा पे आपसे बात करना चाहूँगा, हाथरस गैंगरेप आपको याद होगा, जिसमें SIT की जांच ने भी ये बोला कि पुलिस इसमें सम्मिलित थी, और रात में 2 बजे एक महिला का जो है अंतिम संस्कार किया गया, जो कि ना सनातन संस्कृति एक्सेप्ट करती है ना ही कोई संस्कृति एक्सेप्ट करती है, इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? महिला सुरक्षा की आपने बाप की पार्टी बात करती महिला सुरक्षा की, देखिए हमने ये तो कहानी के 100% सब ठीक हो गया। नहीं सर आपने हमारी मीडिया पे उंगली उठाई कि मीडिया गलत न्यूज़ दिखाती है, आप मेरी बात समझिए, हमने 100% तो नहीं कहा कि सुधार हो गया है। हाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे चलेगी तो आप देखिएगा कि पूरी तरह से रामराज होगा, और कहीं भी कोई भी एक बच्ची भी हो या कोई महिला हो पूरी तरह सुरक्षित होगी। आज भी अगर कहीं पर कोई एकाध हत्या या कोई दंगा या अपराध होता है तो उसमें हम लोग सख्त खिलाफ उसके खिलाफ। सर आपके हिसाब से रामराज की परिकल्पना क्या है? जो आपसे बोलते ना आपकी भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है रामराज होगा, कलयुग ऐसा इसमें रामराज कहाँ से लाएंगे? रामराज की मिसाल हम आपको कहाँ से देते हैं बताएं तो हम लोग हम कहाँ से देते हैं जहाँ से आपको लगता हो कि ये रामराज। सुनिए मेरे सवाल सुनिए, उन्हें रामराज में आपके यहाँ रेप हो रहा है, रामराज में आपके यहाँ हत्या हो रही है, रामराज में किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चला दी जाती है, गाड़ी चढ़ा दी जाती है, उसमें अजय मिश्रा टेनी जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हैं, वो कहते हैं कि मीडिया के चोरों ने हमारे बेटे को फंसा के उसको दोषी बना के जेल भिजवा दिया, आप कैसे कह सकते हैं रामराज? देखिए रामराज आज जो 2017 में पिछली सरकार जो 2017 से पूर्व थी उसमें प्रदेश का एक हताशा निराशा का माहौल था, लेकिन 2017 के बाद आप देखिए कि किस तरह सरकार चली और उसे सबका साथ सबका विकास सबकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने का कार्य किया है। आप देखिए कि रामराज हमने अभी क्या कहा कि सरकार प्रदेश की जनता वोट देगी और पूर्व मोहम्मद की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, और आप देखिएगा ये भी सरकार चलेगी तो कुछ ही दिनों में हम लोग जो कमियां रहेंगी उसको दूर करेंगे और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश एक रामराज की तरह देखा जाएगा, क्योंकि हमारे तमाम हिंदू भाई हैं, हम लोग मिल के काम करते हैं, भाजपा में हैं, काम कार्यकर्ता हैं, तो हमने जो उनसे बात जो सुनी और उनका जो विश्वास उनका जो आस्था देखी तो हमने देखा कि उन्हीं ने कहा कि हमारे ये देवतुल्य लोग हैं, जो भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों, योगी जी हों, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हों, इनको वो लोग एक देवताओं के समान मान के चल रहे हैं कि हाँ ये लोग ही हैं जो भारत का पूर्ण विकास करेंगे और रामराज लेके आएंगे। तो हमने पूछा दलील क्या है, तो हम कहने लगे दलील, तो उन्हीं ने हमको श्लोक सुनाया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम परित्रणाय साधु नाम विनाशाय चतुष्कताम धर्म स्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। तो हमने पूछा इसका मतलब क्या है, तो उन्हीं ने मतलब बताया कि भगवान श्री कृष्ण जी ने कुछ से खुद कहा, इसने खुद कहा कि आप पढ़ें आप देखें, हमने कहा बताइए अभी श्लोक का मतलब बताइए ट्रांसलेट करिए, तो उन्हीं ने मुझे बताया कि भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी अधर्मियों के विनाश के लिए और सत्पुरुषों के उत्थान के लिए मैं ही जन्म लेता हूँ, और ये हर एक युग में होता आया है और आगे भी ऐसे ही। सर क्या भारत धर्म प्रधान देश है या फिर जाति प्रधान, कैसे आप लोग क्या टिप्पणियां करते हैं, मतलब कभी कभी आउट ऑफ सेंस जाती है, क्या हम संविधान पे चल रहे हैं या किसी तरह की शरिया कानून पे या फिर मनुस्मृति पे, सर कहना क्या चाहते हैं? देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश, सर नहीं लगता आप तो किसानों के ऊपर गाड़ियां चला देते हैं, भारत एक कृषि, एक साल तक सर आंदोलन में थे 700 लोग मर गए, कहां से कृषि प्रधान, सर किसकी बात कर रहे हैं? भारत एक कृषि प्रधान देश है, आप देखिए कि किसानों को बदनाम करने के लिए उनकी आड़ में कोई लोग भी अराजकता फैलाते हैं तो वो गलत है, और हम लोग की सरकार ने किसानों के लिए काम किया है। आज आप देखें कि किसान
प्रदेश का और केंद्र का किसान खुश है उनके जो जिन जिन चीजों का वो विरोध कर रहे थे उस चीज को भी हमने खत्म करने का काम किया। तो लाए क्यों थे आप? नहीं देखिए, उनको समझा रहे थे, ये उतना ही सच है जैसे कि सूर्य सूर्य की रोशनी जैसे सच होती वैसे ही यह कानून सच। लेकिन उनकी समझ में नहीं आया, ठीक है जनादेश है और भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए उनको समझते हुए उनकी खुशी के लिए इसको कैंसिल करने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। सर तीन सवाल करूंगा जो वास्तविक तौर पे पूरे हिंदुस्तान में है। पहला सवाल यह है कि मोदी जी ने कहा था कि जब हम आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, यानी कि 14 करोड़। बेसिक बात करते हैं। इसके बाद ये था कि शिक्षा का जो स्तर होगा वो बढ़ेगा, हमें नहीं दिखता कहीं पे। इसके अलावा दिखता सर प्लीज भारतीय जनता पार्टी के तीन जो है कॉलम थे। पहला कॉलम था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष, 14 करोड़ हो जाने चाहिए। इसके बाद दूसरा था महंगाई खत्म होगी, महंगाई बढ़ती जा रही। सूर्य की किरणों को अंधकार बता रहे हैं, अंधेरा बता रहे हैं। सर 14 करोड़ रोजगार दिखा दीजिए। आप बिल्कुल जो सच है आप दिन को रात कह रहे हैं। और 15 लाख रुपए ये नहीं है। आप देखें कि पहले आपको याद होगा 2017 से पहले जब आप लखनऊ में किसी पक्के पुल वगैरह से निकलते होंगे, कोई भी फ्लाईओवर या रेलवे ट्रैक पर देखते होंगे, तो वहां पे पुलिस फोर्स वगैरह तैनात रहती थी, जिनके हाथों में डंडे भी होते थे। क्या हुआ, काहेली खड़े हैं, पता लगा कि हाँ इंटरमीडिएट के बोर्ड के परिणाम आने वाले। जी अब तो पेपर ही नहीं होता। नहीं 2 साल से नहीं। देखिए कोरोना एक महामारी है और ये खाली भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए है। और इससे हमारी सरकार ने, हम लोगों ने लड़ा है और कहीं हद तक हम लोगों ने विजय प्राप्त की है। और इसके लिए आगे भी हम पूरी तरह तैयार हैं। और आपने वहां पेपर नहीं होते थे, देखिए पेपर हमारी सरकार ने, देखिए लीक हो जाते हैं। देखिए वो तो आप कह रहे लीक हो जाते हैं, किसी भी एक किसी का भी एक इस तरह का काम अगर है तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। 2017 की सरकार में उत्तर प्रदेश में 44 भर्तियां हैं, 44 भर्तियां वापस। नहीं हमारी सरकार काम कर रही है और आने वाले समय में भी आप देखिएगा कि प्रदेश की जनता ने पूरे विश्वास किया है और आगामी चुनाव में पूर्व की सरकार। ये थे हमारे साथ ताहिर हुसैन जी जो कि प्रवक्ता हैं और बहुत ही अच्छे से अपनी पार्टी की बातों को रखा, मेरे हर सवाल का उन्होंने तर्कसंगत जवाब दिया। अब आने वाले समय में देखना है कि विधानसभा चुनाव 2022 में ताहिर हुसैन जी की सरकार कितनी तरीके से, कितने 350-400 या पता नहीं कितने का आंकड़ा होगा, लेकिन ये लगता है कि जिस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, आने वाले समय में कुछ नई रणनीतियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त उसमें कार्य में शैली में होगा।